तो आज किया जा रहा है जी बगीचे में स्प्रे का काम। देखिए जी पे छोटी सी प्यारी सी छिंचड़ी झाड़ी भी लगी हुई है और इस पे फूल कितने प्यारे प्यारे आते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है वरुण शर्मा, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला की रियासत भूल से। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज किया जा रहा है जी बगीचे में स्प्रे का काम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इस साइड देखिए कुछ इस तरह के घास वाले फ्लावर्स है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं ये वाले फूल। और अभी जो है सुबह के करीब करीब 8 बजे हैं दोस्तों, और आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। सुबह के टाइम जो है वो सामने वाली ट्यूब वैली बहुत ही प्यारी सी लग रही है और आसमान भी बिल्कुल साफ लग रहा है। और ये है जी पराला मंडी के आसपास का व्यू कुछ इस तरह का। अभी तो पराला मंडी में भी उतनी चहल पहल नहीं है, सीजन टाइम में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है फ्रेंड्स। और अभी तो आजकल ज़्यादातर एप्पल के बगीचों का व्यू ही आसपास रहेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। ये देखिए सूर्य भगवान भी अभी इतने ऊपर आ गए हैं आसमान में। और पक्षियों के चहचहाने से वातावरण बहुत ही सुंदर बना हुआ। और ये देखिए जी अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होया हुआ है, हमारी रोड पे गाड़ियाँ आ जा रही है। और ये है सामने फागु वैली फ्रेंड्स। और अभी देखिए सुबह सुबह रॉकी भी आया हुआ है हमारे साथ, और रॉकी के तो अपना ही अदर एक्टिविटी रहती है कुछ। अभी तो कुछ नीचे झांक रहा है रॉकी भी। और ये देखिए जी अभी तो फुल एनर्जेटिक मूड में सुबह सुबह रॉकी होया हुआ। और ऊपर दूसरे बगीचे में लोगों द्वारा घास काटा जा रहा है और ये घास काटने की मशीन की आवाज आ रही है फ्रेंड। और ये देखिए जी पलम की ड्रॉपिंग भी चली हुई है। एक तो फसल पहले ही कम लगी है, अगर ड्रॉपिंग हो गई तो कैसे चलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ जी शाम के 5:18 और शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा सा कोहरा देखने को मिलता है। ये देखिए अभी जो है इस टाइम सामने के नज़ारे थोड़े धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं और इस टाइम जो है हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। और मैं काफ़ी दिनों बाद इस वाली लोकेशन पे आया क्योंकि अब घास इतनी ज़्यादा हो गई है कि डेली रूटीन में इस तरफ आना नहीं हो पा रहा है। जब कुछ काम हुआ तो ही इस साइड आना हो पाता है। और ये देखिए जी हवा के कारण ये सामने का पेड़ कितना सुंदर सुंदर सा लहरा रहा है। और अब तो कौंठे भी पुराने पुराने हो गए फ्रेंड्स। स्प्रे का काम जो है थोड़ा सा सूख गया है और थोड़ा शाम के टाइम होगा क्योंकि
बीच में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम जो है स्प्रे वगैरह नहीं की जाती है बगीचों में। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी छिंचड़ी झाड़ी भी लगी हुई है और इस पे फूल कितने प्यारे प्यारे आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ और ही नई वैरायटी के प्यारे से फ्लावर मिल गए हैं। अभी सूर्य भगवान जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं सनसेट वाली साइड। आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा धूप की वजह से ही शायद थोड़ा ये कोहरा वगैरह भी हो जाता है, जिससे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है शाम के टाइम आसपास का वातावरण। और प्रकृति में कई फूल ऐसे होते हैं फ्रेंड जो सनराइज़ होने पे खिल जाते हैं और सनसेट होने पे बंद हो जाते हैं, और ये वाले फूल भी कुछ उसी तरह के लग रहे हैं। जब मैं सुबह आया था तो उस टाइम ये फूल खिले हुए थे और अभी आप देख सकते हैं अभी ये बंद हो गए हैं। और अब तो स्प्रे करके ख़त्म होने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही बचता है बस, और अब सनसेट भी होने ही वाला है। और ये देखिए जी, कुछ इस तरह का सुंदर सा नज़ारा है आज के सनसेट का। अब सूर्य भगवान बिल्कुल अस्त होने ही वाले हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्लोज करते हैं आज का ब्लॉग। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं वरुण शर्मा आपको मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में। जय देवभूमि हिमाचल।